दोस्तों YouTube पर पारस ऑफिशियल चैनल ने किया है कुछ ऐसा काम जिस वजह से जो है उनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है। तो हुआ ये था दोस्तों कि इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश के MLA को जो है रेसिस्ट कमेंट पास किए कि वो भारतीय जैसे नहीं दिखते, वो चीनी दिखते हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक तरीके से जो है वो चाइना का पार्ट है। अब इन कॉमेंट्स को पास करने के बाद जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों, उनके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जिसमें वो ये कमेंट्स पास कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस अंदाज में जो है माफी मांग रहे थे अपने ही वीडियो में, और जब उनको पुलिस पकड़ के ले गई तो उसके बाद उनकी माता, उनकी मदर जो है वो किस तरीके से जो है माफी मांग रही है वीडियो में, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलते हैं ट्वीट पे। एक महाशय MLA साहब है ये हमारे, और ये कहां के MLA हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, फांसी लगा लूँ अपने आप को, आप ही बताओ। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था, जिसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है। एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ के लिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए, मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा, मेरे लिए वो है उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा, जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा, बच्चा है वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़।